ये चैप्टर टू है, फंक्शंस एक्सरसाइज देख रहे हैं 2.4 और इसमें आरडी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th। जो पहला सवाल है इसमें कहा गया है स्टेट विद रीजंस वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, क्या इनके इनवर्स है कि नहीं। तो हमको ये देखना पड़ेगा पुराने जो डिस्कशन हमारे थे, हमें पता है 1-to-1 क्या होता है, हमें पता है कि बाइजेक्शन क्या होता है। 1-to-1 और जब ये ऑन टू हो जाता है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब दोनों हो जाएगा तब हम कहेंगे बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इन्वर्स निकल पाएगा, बस आपको ये दिमाग में बिठा लेना है, बाकी आप आराम से कर लेंगे। और सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आपके पास समय हो तो इसको ग्राफ से करें या पिक्टोरियली करें। एक मैं आपको समझाता हूं, आप बाकी आराम से समझ जाएंगे। जैसे हमको दिया है एक फंक्शन f 1, 2, 3, 4 से लेकर 10, मतलब ये डोमेन दिया हुआ है और इसको हम कोडोमेन ले लें, लेकिन ये रेंज भी दिख रही है। कैसे? यहां पर ये फंक्शन a है, ये b है, यानी हम फंक्शन a टू b की बात कर रहे हैं, जिसमें a आपका ये है 1, 2, 3, 4 और b आपका 10 है। तो इसको बना दिया जाए 1, 2, 3, 4 और यहां पर आपका है 10। तो a ये हो गया, b ये हो गया, फंक्शन क्या हो गया a टू b। a टू b में क्या है, 1 का भी 10 है, देखिए 1 का 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है और 4 का भी 10 है। तो इससे क्या पता चल रहा है, पहली चीज तो ये 1-to-1 तो यहां दिख ही नहीं रहा है। 1-to-1 मतलब एक ये जो पेयरिंग है वो केवल 1-to-1 होनी चाहिए, एक की एक के साथ। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, यहाँ कोई खाली नहीं बचना चाहिए। तो खाली मतलब ये खाली तो नहीं बचा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये ऑन टू तो दिख रहा है क्योंकि खाली नहीं बचा है, लेकिन 1-to-1 नहीं है। और जब ये दोनों होंगे तभी इसका बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव होगा, ये जो कि बाइजेक्टिव नहीं है। तो पहली बात है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है और उससे निष्कर्ष हमने ये निकाला कि ये इनवर्स नहीं होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसे करते हैं फटाफट, यहाँ पर जी है, ये फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास 5, 6, 7, 8 है, यहाँ आपके पास है 1, 2, 3, 4। तो 5 का 4 से मिलान कर दीजिए, 6 का 3 से मिलान कर दीजिए, 7 का 4 से मिलान कर दीजिए, ओ बस यहीं पे हो गई गड़बड़। 8 का जिससे भी मिलान करते रहिए वो तो वहीं पे अटक गए मामला, 8 का 2 से। वैसे मामला कहाँ से अटका, यहाँ से, 5 का भी 4 है और 7 का भी 4 है, यानी कि 1-to-1 नहीं है ये 5 भी, यानी 5 भी, 5 जो 4th का जो प्री इमेज है वो 5 है, 4 की प्री इमेज 7 भी है, तो ये तो 1-to-1 फेल हो गया। जो 1-to-1 नहीं है तो बाइजेक्शन सर्जेक्शन चेक करने की, ऑन टू की चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वैसे तो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 1 खाली पड़ा है, खाली नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी, हर एक कोई ना कोई इसका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। तो 1-to भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है और 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो बाइजेक्शन नहीं है, तो इन्वर्स तो इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां आते हैं, अब इसका इन्वर्स निकलता है कि नहीं निकलता वो यहां से पता चल जाएगा आपको। यह एच फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए में आपका दिख रहा है वो 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 बना दीजिए और बी में आप बना दीजिए 7, 9, 11 और 13। तो 2 का 7 ये हो गया, 3 का 9 ये हो गया, 4 का 11 ये हो गया और 5 का 13 ये हो गया। ये परफेक्ट एग्जांपल है, 1-to-1 भी दिख रहा है 1 से 1 और दूसरा ये कि कोई भी यहाँ खाली नहीं बचा है बी सेट में, बी में कोई खाली नहीं बचा है, सबकी एक प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू है यानी सब्जेक्टिव है। और 1-to-1 यानी कि केवल एक, जैसे मैं पहले बताता था कि एक बॉयफ्रेंड की केवल एक गर्लफ्रेंड है, ये आपका 1-1 हो गया और कोई भी गर्लफ्रेंड यहाँ पर खाली नहीं है, सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, उसे हम सब्जेक्टिव कहते थे। यहाँ देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो इसका इन्वर्स होने वाला है। इन्वर्स में क्या करना है आपको, बहुत बहुत आसान है। जैसे 2 का 7 से पेयरिंग है, 7 का 2 से कर दीजिए, इस वाले को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, यानी कि जो 7-2 है इसको 2-7 को 7-2 कर दीजिए, 3-9 को आप 9-3 कर दीजिए, 4-11 को 11-4 कर दीजिए और 13-5 को 5-13 को 13-5 कर दीजिए। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।
ओके, क्वेश्चन टू में है, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, एफ इज ए टू बी वेयर, ए दिया हुआ है, बी दिया है और फंक्शन भी दिया है एफ एक्स बराबर थ्री एक्स। चलिए, एफ एक्स बराबर थ्री एक्स दिया हुआ है और आपको क्या क्या दिया हुआ है, जीरो माइनस वन माइनस थ्री टू ए दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको मैच करा लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए में देखिए क्या है, जीरो नेगेटिव वन नेगेटिव थ्री और टू। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर थ्री एक्स दिया हुआ है, बस एक एक करके रखते रहिए, थ्री इंटू ये रख रहा हूं पहले जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, फिर नेगेटिव वन रख रहा हूं, थ्री नेगेटिव वन कितना हुआ नेगेटिव थ्री, फिर थ्री इंटू नाइन, थ्री इंटू नेगेटिव थ्री तो नाइन माइनस नाइन हो गया, फिर थ्री इंटू टू सिक्स हो गया ये। तो ये जीरो डालने पर क्या मिला आपको, क्योंकि थ्री एक्स फंक्शन है, जीरो डालने पर क्या मिला आपका, इसको बना लीजिए, माइनस नाइन माइनस थ्री जीरो और सिक्स, जीरो डालने पर क्या मिला आपको, जब जीरो डाला आपने तो जीरो ही मिल गया, तो इसका इससे पेयरिंग बना दीजिए और इसी को मैंने यहां लिख दिया है जीरो जीरो। फिर आप माइनस वन से देखिए क्या है, माइनस थ्री मिल रहा है तो नेगेटिव वन का नेगेटिव थ्री हो गया। अब आप आइए नेगेटिव थ्री पे, नेगेटिव थ्री से क्या मिल रहा है, थ्री थ्री से नाइन, नेगेटिव नाइन हो गया, नेगेटिव थ्री का नेगेटिव नाइन, नेगेटिव नाइन हो गया, ये यहां पर लिखा हुआ है। और टू का क्या मिल रहा है, टू का रखा सो सिक्स मिल गया। तो आप देखें, पहली चीज तो ये वन टू वन है, एक का एक के साथ पेयरिंग है, जो ये पेयरिंग इसको जरा आप जरूर लिखिएगा क्योंकि इस तरीके से लिखा जाएगा, ये पेयरिंग बना दी, कोई भी इसमें रिपीटेड नहीं है, वाई रिपीटेड नहीं है, एक्स भी रिपीटेड नहीं है। और दूसरा यह है कि कोई भी यहाँ खाली नहीं बचता है, सबकी एक एक पेयरिंग है, इसका मतलब ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये तो पेयरिंग बना दी, बस उनका इसका उलट कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। कैसे करेंगे, जीरो यहाँ जीरो यहाँ, तो जीरो जीरो बनेगा, नेगेटिव थ्री यहाँ नेगेटिव वन यहाँ, ये बन गया नेगेटिव थ्री नेगेटिव वन, नेगेटिव थ्री यहाँ नेगेटिव नाइन यहाँ, यानी कि नेगेटिव नाइन नेगेटिव थ्री, टू यहाँ सिक्स यहाँ, तो आपका सिक्स टू बन गया, क्लियर हो गया। अब अगला कर लेंगे, अगला आपका कौन सा है, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाते हैं। ए आपका 13579 है, 13579, और बी में आपका जो है उसको मैच कराएंगे हम, ये 0 1 9 25 49 और 81। ओके, पांच पांच हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, पांच यहाँ है छः यहाँ है, यहाँ पर हमको कुछ घपला टाइप लग रहा है लेकिन इसको चेक करेंगे। अब हम आ रहे हैं एफ एक्स, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, ये सारे डोमेन की वैल्यू उठा उठा के रख देनी है यहाँ पर। तो एफ वन करिए क्या आया, वन स्क्वायर, एफ थ्री करिए, ये सारी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, क्या करेंगे, थ्री थ्री सा तो वन से वन आ गया, पहले इसको मैच करा देते हैं, बढ़िया कलर ले लूँ क्या, मैचिंग दिख जाए अच्छे से, वन का वन। अब थ्री का थ्री स्क्वायर नाइन, थ्री डालते ही आपका नाइन आ गया। अब एफ आप डालिए इसमें फाइव, ट्वेंटी फाइव आ गया, ट्वेंटी फाइव से मैच करा दीजिए। अब एफ डालिए सेवन, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन, वैसे मुझे दिख रहा है कि जीरो खाली बच रहा है, तो पहले ये बाइजेक्शन नहीं है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है, तब ये करके दिखाएंगे आप तो भी काम बनेगा। अब नाइन डालेंगे, एफ नाइन डालिए, कितना हुआ 81, नाइन नाइन से 81, ठीक, पेयरिंग बना दीजिए वन वन, ये यहाँ लिख दिया गया है वन वन, जो मैंने ये पेयर बनाया वो यहीं लिखी हुई है, थ्री से नाइन, पाँच से पच्चीस, सात से उनचास शायद है 49, और नाइन से 81 81, ये बन गया। अब आप देखिए वन टू वन तो क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वन टू वन एक का एक से पेयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो खाली बच गया, और ऑन टू का सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि खाली नहीं बचना चाहिए, यहाँ खाली बच गया, इसका मतलब ये वन वन तो है, वन वन है ये, लेकिन ऑन टू नहीं है, यानी सब्जेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, बाइजेक्टिव नहीं है तो एफ इनवर्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर तीन देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कंसिडर एफ, तो एफ और जी फंक्शन है, और क्लियर इसमें बताया गया है कि एफ वन टू थ्री से एबीसी है, जी एबीसी से एप्पल बॉल कैट है, तो मैं ये फंक्शन f बना देता हूं पहले, ये फंक्शन g हो गया,
जो फंक्शन एफ है इसमें कहा गया है कि यहां पर डोमेन में 1, 2, 3 है और ये आपका एबीसी है, यहां पर जी में यहां एबीसी है और यहां पर एप्पल बॉल कैट है, तो मैं इसको एप्पल कर देता हूं, इसको बॉल कर देता हूं, इसको कैट कर देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब आप देखेंगे कि इसमें क्लियर दिया है एफ1 बराबर ए है, यानी कि एफ1 में ए आता है, एफ2 में बी आता है, एफ3 में आपका सी आता है, तो ये क्लियर है कि ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। जी फंक्शन में आते हैं, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स होगा, इसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इन्वर्स कैसे होगा, उसका उल्टा कर दीजिए, एफ इन्वर्स लिख देता हूं मैं, एफ इन्वर्स होगा इसका उल्टा, ए वन और बी टू और सी थ्री। जी में भी ऐसे करेंगे, आपका ए जैसी ए डालते हैं, देखिए जी में ए डालेंगे तो एप्पल आता है, जी में बी डालेंगे तो बॉल आता है और जी में सी डालेंगे तो कैट आता है। इसका मतलब ये है कि ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, इसका जी है तो जी इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। जी इनवर्स यहां लिख देते हैं, ये हो गया एप्पल ए और बॉल बी, तीसरा है कैट सी। चलिए साहब ये हो गया ना, एफ इनवर्स जी इनवर्स आ गया, वो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर यहां लिखा हुआ है। अब हम एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स करेंगे, तो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, इसको आप एफ इनवर्स इनवर्स भूल जाइए, सीधा दो है, जैसे हम एक्स ऑपरेशन वाई करते थे ना, वही समझ लीजिए, यानी कि एफ फॉग कर रहे हैं अभी हम, यहां पर हमारा फॉग में एफ इनवर्स है और जी इनवर्स है। तो मैंने आपको बताया था जब फॉग और एफ ओ जी करते हैं तो इसका जो रेंज है वो इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, वो क्यों करते थे और क्या इसका उत्तर आएगा, वो ये आएगा कि एप्पल का 1 से और बॉल का 2 कॉम्बिनेशन और इसका कैट का 3 से, इसलिए करते थे। तो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स में क्या आएगा, एप्पल का हो गया 1 के साथ, फिर बॉल का 2 के साथ और कैट का 3 के साथ, ये तीन हो गए। अब ये तीनों होने के बाद जी ओ एफ, ये तो फॉग हो गया, गॉफ भी कर लेते, ये इनवर्स है, ध्यान रखिएगा, गॉफ करेंगे तो क्या आएगा, गॉफ में ऑलरेडी जी ऑफ एफ एक्स में क्या मिलता है आपको, जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ मतलब क्या है, तो गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स में क्या क्या डालना है आपको, 1 डालना है तो एफ 1 डालिए, तो जी ऑफ एफ एक्स में एफ में यहाँ 2 डालना है क्योंकि एफ में 2 है और जी ऑफ एफ एक्स एफ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ 1 में क्या आएगा, ए आ रहा है जी ए, और एफ 2 में क्या आता है यहाँ पर, बी आ रहा है, यहाँ दिया भी हुआ है, देखिएगा ये दिया हुआ है, F2 में आपका आ रहा है B और F3 में आपका आ रहा है C। अब GA क्या है, यहां पर आ जाइए, GA में क्या आ रहा है आपका, एप्पल, ये एप्पल आ रहा है, GB में क्या आ रहा है आपका, बॉल आ रहा है और GC में क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। ओके जी, ये सब आ गया आपके, तो गॉफ में आपने देखा कि एक एक करके क्या आया, एप्पल बॉल कैट, तो इसका मतलब गॉफ क्या बना आपका, 1 के साथ एप्पल, 2 के साथ बॉल और 3 के साथ कैट, ये आपको दिखा देता हूं कैसे लिखना आपको, तो गॉफ आया आपका 1 का एप्पल, 2 का बॉल, 3 का कैट, तो इस क्लियर समझ में आ रहा है कि 1-1 है, एक का एक के साथ कनेक्शन है और कोई भी खाली नहीं बचा, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं 1-2-3 और शॉर्ट में इसको बना दूं एप्पल बॉल और कैट, तो 1 का एप्पल के साथ, 2 का बॉल के साथ, 3 का कैट के साथ, इसका मायने क्या है कि 1-1 है, 1-2 है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, इसका मतलब गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और गॉफ इनवर्स क्या होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, जो मैंने आपको ये बताया ना अभी, ये वाला इसको उल्टा कर दीजिए, ये अब इसको इस डायरेक्शन में ले लीजिए, ये एप्पल 1 और बॉल 2 और कैट 3। अब जरा इसको देखिए, ये मैंने किया है गॉफ का इनवर्स और इन्होंने पूछा है गॉफ इनवर्स बराबर फॉग इन एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स है कि नहीं, तो गॉफ इनवर्स हमने ये निकाला। अब आ जाइए एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, क्या आपको ये और ये सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं ना, बस यही आपको बताना था, ये फाइनल है आपका, ठीक है जी।
ओके क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें अपने करीबन सवाल बनते हैं, करीबन 20-21 सवाल है इसमें, तो मुझे लगता है कि एक दो और सेशन में हो जाएगा। और एनसीईआरटी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसमें, और खास बात यह है, शायद आपको बताया नहीं मैंने, खास बात यह है कि ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक यू।